हेलो किसान भाइयों, इनके से ग्रो छतरपुर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही शानदार मशीन जो कि BCS की मशीन है, जो कि इंडिया की सबसे अच्छी रीपर वाइंडर बनाने वाली कंपनी है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर BCS का लोगो लगा हुआ है, साइड में हमारा एड्रेस दिया हुआ है। अभी इस BCS के रीपर वाइंडर को आइसर पर फिट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन इनकेस एग्रो छतरपुर पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आइसर 485 ट्रैक्टर है, जिसपे की ट्रैक्टर पर ये अवंत को फिट करने के लिए कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। मतलब यहां पर भी देखें हम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने यहां पर अरेंजमेंट बनाया ताकि किसान भाई को इस तरीके की ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर ले लिया है हमने आइसर, तो उस पे भी BCS का रीपर वाइंडर फिट करवा सके। आप यहां पे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये पाइप जैसा लगा हुआ है, उस पे हमने पत्ती वेल्डिंग करी, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया। उसके आगे भी आप देखेंगे, इधर यहां पत्ती वेल्डिंग करी है, उस पे हमने एक फ्रेम बनाया। तब जाके एक फ्रेम बनाने के बाद में फिर ये पत्ती लगाने का अरेंजमेंट बना। तो इस तरीके से काम किया हमने इनके सेग्रो छतरपुर पर। इसके अलावा भी यहां पर एक चीज हमने नोटिस करी कि जब ये टायर उठेगा तो यहां पर ये गैप को मेंटेन किया है, चादर ये जो सीट लगी हुई है इसको बैंड करके। तो इस तरीके का काम किया हमने इनके सेग्रो छतरपुर पर। बाकी आप ये रीपर भी देख सकते हैं, यहां से इसका काम है गेहूं की कटाई करके उसका बंडल बांधना। तो यहां पर पूरा गेहूं ऐसे इस तरीके से कटता है, उसके बाद में यहां पर इसका कलेक्शन होता है और इस वे के थ्रू यहां से पूरी जो आपका बंडल रहता है वो निकलता है और इस तरीके से रस्सी उसको बांध लेती है और आपका बंडल बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट, ये वाली आपकी रिपोर्ट है जिसको हमने अभी टेस्ट करके देख लिया है। यहां पर आपका रस्सी का बंडल लगा रहता है। बाकी फिटिंग में आप यहां पर देख सकते हैं, ये फिटिंग बहुत शानदार की है हमने। अभी मैंने बात की थी इधर साइड वाले की, अब बात करता हूं मैं इधर आगे। आगे हमने इसको सी चैनल के ऊपर रेस्ट किया हुआ है। आप यहां पर देखेंगे तो एक लंबा सा सी चैनल लगाया, उसके ऊपर इसका पूरा वेट यहां पर हमने दिया हुआ है। यहां पर ये पत्ती का सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा एक अंदर पत्ती दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर ये पत्ती जो लगी हुई है ये नीचे तक लगाई है हमने, यहां तक ये सपोर्ट वाली पत्ती है ताकि इसके अलावा भी इसको सपोर्ट मिल सके। तो ये अरेंजमेंट लगाया हमने। बाकी ये हाइड्रोलिक पाइप गया हुआ है जो कि पीछे से आगे को तरफ आता है, जिससे कि ये जो रीपर वाइंडर है ये अप एंड डाउन होता है। बाकी मैं आपको इधर दिखाऊं पुली का सेक्शन, तो यहां पर आपका ये पुली का सेक्शन दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से पाइप के थ्रू इसको ड्राइव दिया हुआ है वहां पे आगे पे, तो ये पुली अरेंजमेंट रहता है। हाइड्रोलिक के लिए हमने यहां पर ये प्लग इन प्लग आउट वाला लगाया है, ये कंपनी से आता है। बाकी आप इसको आसानी से इधर इसको करके आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ है हमने। बाकी ये ट्रैक्टर जरूर याद रखना है आपको, ये आइसर 485 है, आइसर पर फिटिंग करना मुश्किल रहता है, लेकिन हम हर एक ट्रैक्टर पर फिटिंग कर। बाकी किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए इनकेस एग्रो छतरपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप भी BCS की इस तरीके की मशीन का प्लान कर रहे हैं तो इनकेस एग्रो छतरपुर से अच्छी कोई जगह नहीं है। बाकी किसान भाइयों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम इनकेस एग्रो छतरपुर पर किसी भी मशीन को अगर हम फिट कर रहे हैं तो वो हम मिग वेल्डिंग से करते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत वेल्डिंग होती है, जो मैं आपको अभी करेंटली दिखा भी सकता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि हमारी एक ट्रैक्टर है जो आइसर ही है, उस पर फिटिंग चल रही है, तो वहां पे भी हम मिगी वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये इस तरीके से वेल्डिंग करते हैं हम, और ये मिग वेल्डिंग है, बहुत शानदार वेल्डिंग करते हैं और बहुत मजबूत वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग मिग के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमजोर रहती है, लेकिन मिग वेल्डिंग बहुत ही मजबूत रहती है। इस वजह से पूरा का पूरा काम हम मिग वेल्डिंग पे करते हैं। अभी हमारे ये वेल्डर हैं, ये करके भी दिखाएंगे आपको, ये सरफेसेस के ऊपर वेल्डिंग देख सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तो काफी गर्म है, लेकिन ये मिग वेल्डिंग हुई है और हम मिग वेल्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं। आपको नीचे भी दिखा दूं कि कितनी शानदार वेल्डिंग करी है। तो इस तरीके का काम करते हैं हम इनके सेग्रो छतरपुर पर।